हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू पल्लवीज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की एक बहुत ही खास रेसिपी जिसका नाम है पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम फ्रेश पालक के पत्ते, जिसे हमने पहले अच्छे से धो लिया है। इसके बाद मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरीके से बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज प्याज, जिन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 2 हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन, साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 छोटे चम्मच फ्रेश क्रीम। अगर फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इसके जगह ताज़ा दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मसालों में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब सबसे पहले हम गैस पे एक पतीले में पानी गर्म करने रख देंगे। हमने करीबन 1 लीटर पानी लिया है ताकि पालक के पत्ते आसानी से उसमें डूब सकें। और अब लिड रख के हम पानी में उबाल आने देंगे। तो अब पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ये पालक के पत्ते डालेंगे। इस तरीके से पालक को पकाने से पालक के पत्तों का रंग अच्छा हरा रहता है और पत्ते काले नहीं पड़ते। मैं पालक के पत्ते डालने के बाद करीबन 3 से 4 मिनट तक ही इसे पकाना है। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो पालक ओवर कुक हो जाएगा और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। तो 3 मिनट हो चुके हैं और हम देख सकते हैं कि पालक पक चुकी है और साथ ही में पालक के पत्तों का रंग भी हरा का हरा ही है। तो अब हम पालक को एक छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि इसका सारा एक्सेस पानी निकल जाए। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा ठंडा पानी ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और पालक ओवर कुक ना हो जाए। पालक को पूरा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे मिक्सर से निकाल कर इसकी प्यूरी बना देंगे। जब तक हमारी पालक ठंडी हो रही है, हम यहाँ पैन में लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, डालेंगे जीरा और गैस को मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे। जीरा थोड़ा भुन जाने पर इसमें डालेंगे हरी मिर्च और साथ ही में प्याज। इसी के साथ डालेंगे लहसुन और अदरक और अब 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाने पे हम टमाटर भी डाल देंगे और लो फ्लेम पे करीबन 2 मिनट हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये मिश्रण हमारा फ्राई होके तैयार है। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और मिश्रण को ठंडा हो जाने पर हम इसे भी मिक्सर से निकाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये दोनों भी चीज़ें अब अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है और अब हम पालक और प्याज टमाटर के इस मिश्रण को एक साथ ही मिक्सर से निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर से पैन में लेंगे हम 3 बड़े चम्मच तेल, गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 2 मिनट तक इन मसालों को भून लेंगे। मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए हम गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। अब ये पालक और प्याज टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन रखकर इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो अब पालक में उबाल आ चुका है और एक बार फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच फ्रेश क्रीम। क्रीम डालने से पालक पनीर में बहुत अच्छा स्वाद आता है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा क्रीमी हो जाता है। अब इसमें डाल देते हैं नमक और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और फिर से सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब अंत में इसमें हमारे पनीर क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने होममेड पनीर यूज़ किया है जिसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और अब फिर से लिड रख के हम इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे ताकि सभी मसाले आपस में मिल जाए। इसमें अब उबाल आ चुका है और ये पालक पनीर हमारा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि पालक का कितना अच्छा रंग आया है और थोड़ा और टेस्ट एनहांस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके भी डाल देंगे। तो ये पालक पनीर बिल्कुल तैयार है, इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।